नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेड न्यूज। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इस बात की जानकारी खुद भारतीय वायुसेना ने दी है। तेजस लड़ाकू विमान सिंगापुर एयर शो के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। एयर शो में इसके हिस्सा लेने से तेजस विमान की हैंडलिंग और गतिशीलता को दिखाने का अनोखा अवसर मिलेगा, यानी दुनिया जान पाएगी कि आखिर तेजस कितना ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान है। तेजस 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा। भारतीय वायुसेना की 44 सदस्य टुकड़ी सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। सिंगापुर एयर शो हर दो साल में होने वाला कार्यक्रम है, जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। IAF दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस MKIAC की ताकत दिखाएगा। एयर शो में कई स्वदेशी विमानों ने लिया हिस्सा। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में लीमा 2019 और दुबई एयर शो 2021 जैसे एयर शो में हिस्सा लिया था, ताकि स्वदेशी विमानों का प्रदर्शन किया जा सके और एरोबेटिक टीमों का गठन भी किया जा सके। इससे पहले एयर शो के आयोजक एक्सपीडिया ने कहा था, एकल जेट प्रदर्शन में सिंगापुर के आसमान में प्रभावशाली स्टंट और हवाई करतब दिखेंगे। एयर शो में 4 वायु सेनाओं और 2 वाणिज्यिक कंपनियों के 8 उड़ान प्रदर्शन और फ्लाई पास्ट कार्यक्रम होंगे। तेजस विमान ने पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में भी हिस्सा लिया था। फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन और बहुभूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जो हवाई क्षेत्र में उच्च खतरे वाली स्थितियों में संचालन करने में सक्षम है। ये प्रमुख रूप से हवाई युद्ध और आक्रामक तरीके से हवाई सहायता मिशन में काम आने वाला विमान है और टोही अभियान को अंजाम देने और पोत रोधी विशिष्टताएं इसकी द्वितीय गतिविधियां हैं। आयोजकों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के तेजस के अलावा अमेरिकी सेना, इंडोनेशियाई एरोबेटिक टीम और सिंगापुर वायुसेना एयर शो में भागीदारी करेंगे। अब आपको बताते हैं तेजस की खासियत। तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। तेजस में एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस पर हवा से हवा में, हवा से धरती और हवा से पानी पर हमला करने वाले हथियार लोड कर सकते हैं। तेजस विमान एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस में जैमर प्रोटेक्शन तकनीक है, ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन बंद ना हो। तेजस को 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। आपको बता दें कि अगस्त 1983 में हल्का युद्धक विमान यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया था। इस फाइटर जेट का ये नाम संस्कृत भाषा के 20 नामों में से चुना गया था। संस्कृत में तेजस शब्द का मतलब होता है असीम शक्ति, यानी कि सबसे शक्तिशाली। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया।